हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3, JSSC CGL और RRB NTPC और सेंट्रल SSC में कौन सा सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो हम जानते हैं, ये चारों जो परीक्षाओं मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये चारों जो हैं स्नातक स्तरीय हैं। क्या है? स्नातक स्तरीय हैं। तो और ये सभी को मतलब ग्रेजुएशन पास, ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग भर सकते हैं, स्नातक पास उम्मीदवार है जो कि फॉर्म भर सकते हैं, शायद SSC में है जो कि अपेयरिंग भर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में है आपको स्नातक पास, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर ये जो तीनों हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि सिलेक्शन करना होगा कि आपका कौन है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये जो कि चारों परीक्षाएँ देंगे, एक तो BSSC CGL 3 की वैकेंसी अभी आई नहीं, लेकिन बाकी सबकी लगभग आती रहती है। SSC की, RRB NTPC की 2019 में आई हुई है और JSSC CGL भी 2019 में आई हुई है। तो निश्चित रूप से ये चारों में डिफरेंस क्या है, चारों में बेहतर कौन है, वेतन है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पूरी जो ये स्टोरी शुरू करते हैं BSSC CGL 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन में आता कि क्या इस साल विज्ञापन आएगा। बहुत सारे लोग हमसे जो जुड़े हैं, ज़्यादातर लोग इसी से जुड़े हैं, BSSC CGL 3 का विज्ञापन कब आएगा। जैसा कि अखबारों में दिया हुआ था कि आपको अन्य भी है जो कि 2 या 3 महीने जो कि विज्ञापन नए में समय लगेगा। बताया भी था कि जुलाई में है जो कि संभावित है कि आपको अगर अच्छी स्थिति रही तो ज़रूर वैकेंसी आ जाएगी। तो विज्ञापन आने की पूरी संभावना है BSSC CGL 3 की। अब कितनी सीटें? लगभग 1500 सीटें हैं। अब उसके बारे में जानते हैं कि उसका एज लिमिट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसका एज लिमिट क्या होगा। तो इसमें जो है आपको देख रहे हैं कि स्नातक उत्तीर्ण जो होना है, वो जो वैकेंसी निकलेगी उसके पहले जो कि रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं इसमें, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा फल तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ वे इस परीक्षा में अयोग्य घोषित होंगे। एज है जो कि आपको 21 वर्ष से 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित के लिए 40 है और SC ST के लिए 42 वर्ष है। तो ये आपने BSSC CGL 3 के लिए देखा और दोनों में जो है और कॉमन क्या क्या है बता देता हूँ। RRB NTPC, JSSC CGL और जो यहाँ के BSSC CGL है 3 जो आएगी उसमें आपको इंग्लिश नहीं है। जिनका इंग्लिश नहीं अच्छा है वो ये तीनों तैयारी कर सकते हैं, या है भी तो JSSC भी कितने लोग चारों परीक्षाएं देते, मतलब इंग्लिश अगर आपकी नहीं भी अच्छी है या बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उससे कोई ये तीनों परीक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी है तो आप ज़रूर है जो कि SSC सेंट्रल SSC आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई BSSC परीक्षा पैटर्न, मैंने कई बार बताया, बहुत सारे लोग कहेंगे कितने बार बताए हैं, तो यही है। इसमें सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 और मानसिक क्षमता जत 50, 150 नंबर की परीक्षा होती है, नेगेटिव 1/4 है और आपको इसमें जो है 1/4 है और इसके 3-2 टर्म परीक्षा होती है, PT और मेंस, 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होता है। ये पहली BSSC की एग्ज़ाम है जो कि जनरली, ऐसा मैंने भी पहली बार सुना कि आपको प्री में जो BSSC की जो परीक्षा होती है उसमें आप पुस्तकें ले जा सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन से पद है जो कि आ सकते हैं। अब इसकी चर्चा पूर्व के जो पद आए थे और कौन सी पद है जो कि आएगी। तो कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये सब जो कि अब BPSC है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 332 पद, ये पुराना वैकेंसी का है, तो ये ही वैकेंसी है जो कि सबसे बड़ी होगी, 1200 के आसपास जो बहाली होगी। और इसका जो वेतन मान होता है वो लेवल 7 का होता है और ग्रुप B में के ये पोस्ट हैं। और ये जो है आपको उसके साथ इसका जो लेवल 7 का स्केल होता है 44,000 है जो कि 900 रुपये है जो कि शुरू होता है। उस पर आपको बिहार में चिकित्सा भत्ता मिलती है, DA मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो कि नगर निगम या पटना में जो है उनके लिए जो कि मिलती है और हाउस रेंट मिलती, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेगी। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का तो कई बार बताया हूँ कि इसका प्रमोशन जो है आपको यहाँ, इसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी, उसके बाद है जो कि आपको अवर सचिव, उसके बाद
अंडर सेक्रेटरी या अवर सचिव ही इसको कहा, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके बाद ख़त्म। ये लास्ट है 8700 पे ग्रेड तक आप जा सकते हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की हो गई। अब आते हैं JSSC CGL की। तो इसकी प्रक्रिया क्या, इसमें भी जो कि 21 वर्ष से 35 वर्ष निर्धारित है, और EBC के लिए और BC श्रेणी के लिए 37 है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष जो कि निर्धारित है। इसमें भी जो कि ग्रेजुएट है जो कि पास होना चाहिए। JSSC CGL की अब चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद है जो कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग क्या है, 3 पर 1 होगा चयन प्रक्रिया है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के बाद मेंस में मौका मिलेगा। दोनों जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम थे, BSSC CGL 3 भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और ये भी ऑब्जेक्टिव, दोनों में प्री और मेंस होगी। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं। आप देख रहे हैं ये झारखंड के पद हैं जो JSSC CGL में निकली है। तो इसमें जो है आपको नाम चेंज हो गया, इसीलिए आपको इसमें गलत लिखा हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को झारखंड में, और बिहार में इसकी चर्चा चल रही है पद बदलने की। तो 362 पद थे। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के है जो कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 223 थे। तो एक चीज़ जो कॉमन है BSSC CGL 3 और इसमें ये है कि आपको एक ही पोस्ट इसमें जो है झारखंड में भी है, जो कि आपको 4600 ग्रेड पे या लेवल 7 की पोस्ट हैं सहायक पर। बाकी जो सभी है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, ये सारे जो है झारखंड में 4200। लेकिन बिहार ए झारखंड में, बिहार में ये सब जो पद है अब कहाँ चला गया है, ये BSSC CGL 1 में थी, 2 में भी थी, लेकिन सारे पद है जो कि BPSC के थ्रू है जो कि अब लिया आया था, और ये सारे पोस्टों को लेवल 7 हो गया, मतलब BSSC से ये पद आपको बिहार सरकार में नहीं मिलेंगे। तो ये सब पद हैं। अब डिफरेंस क्या है लेवल 7 और लेवल 6 में, इसका लेवल 6 का जो वेतन होता है आपको 35,000, इसमें आप देख सकते हैं लेवल 6 का जो होता है 35,400 रुपये होता है, कितना होता, और लेवल 7 का कितना होता है 44,200। तो 44,200 होता है। तो इसमें डिफरेंस लगभग जो आप कहें तो 9,000 रुपये बेसिक में डिफरेंस होता है, और ये अच्छा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि कम डिफरेंस है, ये 9,000 बेसिक, उसके बाद DA जितनी बढ़ेगी उतना डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये डिफरेंसेज है। और JSSC में जो प्रक्रिया है लगभग बिहार की तरह ही प्रक्रिया है, आपको उतना ही चिकित्सा भत्ता और आपको अन्य जो सुविधाएं हैं उसी तरह से मिलती है। 8% और 16% है जो कि हाउस रेंट, और 4% हाउस रेंट है। तो ये तो शहरों पर डिपेंड करता है कि आपको कितने रुपये मिलेंगे, या आप आवास लिए तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंसेज है। तो JSSC CGL की प्रक्रिया के मैं बारे में बताना चाहता हूँ। तो JSSC CGL प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन होंगे 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान होंगे 20 प्रश्न, सामान्य गणित होंगे 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच होंगे 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न। तो मतलब 120 नंबर के रहेंगे। और जो बिहार में कितने होते थे, 150 प्रश्नों का होता था, और वो उसका सेट भी चल रहा, मैंने छठा सेट डाल भी दिया, जो लोग नहीं बनाए वो सेट डाल सकते BSSC CGL 3 की। और ये JSSC CGL में कितने होंगे, 2 घंटा का समय रहेगा और 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें झारखंड से 3 हैं, और आपको बाकी सब रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है और GS है, तो यहाँ पर झारखंड आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी ये जो कि मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा में क्या है, आपको हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें 30 प्रश्न हैं, हिंदी व्याकरण ये सब पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा जो होगी आपको हिंदी भाषा के ज्ञान है जो कि 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान है जो कि आपको 60 प्रश्न के रहेंगे। परीक्षा 3 पालियों में होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो कि 2 घंटा का समय जोड़ा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 30 प्राप्त अंक जो कि मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात यह क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। और अवधि भी इसका कितना होगा, तो ये रहे आपको प्री के, प्री के बाद इसमें है जो कि मेंस की परीक्षा होगी। उसमें तो JSSC CGL में है जो कि आपको 1260 पद है, जो कि लगभग आई थी 19 के सितंबर या अक्टूबर में लगभग आई थी, तो इसकी बहाली। तो अगर आप, क्योंकि JSSC CGL में बिहार के लड़के नहीं फॉर्म भरे थे या अदर स्टेट, क्योंकि झारखंड के थे, तो अगर JSSC BSSC में तो अपने अपने राज्य के है जो कि श्रेष्ठ हैं, और इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं RRB NTPC की चर्चा करते हैं। NTPC का
क्या किया जाए। तो एनटीपीसी जो है पोस्ट क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये सब लेवल 7 में है। जो कि आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको रेलवे में जो है एनटीपीसी में लेवल 7 की पोस्ट एक भी नहीं है, जिस तरह से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी झारखंड में है और जिस तरह से आपको बिहार में है, तो उस तरह के लेवल 7 पोस्ट रेलवे एनटीपीसी में नहीं है। तो इस मामले में तो श्रेष्ठ कौन हो गया, अपने अपने राज्य के जो एसएससी हो गए, बीएसएससी और जेएसएससी। दूसरी बात है कि इसमें जो है आप अपने राज्य में ही सर्विस कर सकते हैं, झारखंड के झारखंड में ही, और झारखंड ये बिहार के बिहार में, दिल्ली अपवाद में है कि आप स्थानीय आयुक्त में पोस्टिंग हो सकती है। तो ये जो है अगर अपने घर में सर्विस करना चाहते हैं तो एनटीपीसी तो ये मामलों में ये पिछड़ रहा है दोनों से, बीएसएस और लेवल 7 की जिनको पोस्ट चाहिए उनके लिए भी रेलवे ठीक नहीं। और ये रेलवे की जो पोस्टिंग होगी, आप जिस बोर्ड में भरेंगे उसी बोर्ड में आपके सिलेक्शन होगी। तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, ट्रैफिक असिस्टेंट बहुत ही कम ग्रेड पे का है और ये है जो कि आपको 2400 ग्रेड पे का है और ये बहुत छोटी पोस्ट। अगर ग्रेजुएशन करके आप 2400 ग्रेड पे में जाते हैं 25,500 तो उसे शोभा भी नहीं देता, लेकिन मजबूरी है तो जा सकते हैं। उसके बाद गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड लेवल 5 की पोस्टें हैं और आपको 29,200 है। गुड्स गार्ड के जो वेतन है बहुत कम है, लेकिन इनकी जो रनिंग अलाउंसेज और सब अलाउंसेज मिलाकर काफ़ी वेतन मिलता है और उन लोगों के लिए अच्छी है जो पैसे की थोड़ी चाहत रखते हैं। लेकिन अगर वो शांति चाहते तो ये गुड्स गार्ड बिल्कुल अच्छी नहीं, उसके हिसाब से तो जेएसएससी और बीएसएससी ही ठीक है। उसके बाद आते हैं सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये आपको रिजर्वेशन में आपको टिकट काटना पड़ेगा तो ये भी अच्छा है, कम से कम एक छत तो मिलेगी और आपको गुड्स गार्ड की तरह बाहर में तो नहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद है जो कि इसका भी लेवल 5 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके भी है जो कि 5 लेवल 5 है, ये भी उसी तरह का है रिजर्वेशन टाइम। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी टिकट काटने से। सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, जो रेलवे में जो सबसे बेस्ट मानी जाती है आपको आराम से लेकर सब चीज़ों में, तो वो मानी जाती है कमर्शियल अप्रेंटिस। इसकी हाई सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है रेलवे में एनटीपीसी में वो कमर्शियल अप्रेंटिस, सीटें भी कम रहती है, शांति है, इसका जॉब में है आपको आपको टिकट से ही संबंधित कमर्शियल से रिलेटेड पोस्ट रहता है और इसमें भागदौड़ नहीं कहीं भी है। जो कि आपको एक छत तो ज़रूर मिलेगा या कुछ, अगर आप इंचार्ज बनाएंगे तो थोड़ा बहुत स्टेशन जाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा टिकट सही कट रहा है नहीं कट रहा है, इसके लिए क्या परेशानियाँ हो रही है। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है तो रेलवे के। और 6 है फिर भी क्या है, लेवल 6 ही इसमें है, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का पहले जो था हम लोग जब तैयारी करते थे तो 2800 ग्रेड पे ही था, लेकिन अब जो है लेवल 6 में मतलब 4200 ग्रेड पे कर दिया गया। और ये काम जो है आपको एक छत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जितने भी वर्क चाहे 6 घंटे हों चाहे 8 घंटे हो, काफ़ी परेशानी भरा होता है और मैं खुद इस पर इनके साथ रहा भी हूँ कई घंटे, तो अनुभव किया हूँ कि ये मतलब इसमें है जो कि आपको कंसंट्रेट होकर कार्य करना है, ये नहीं कि आप ड्यूटी में हैं और आपसे एक बटन भी क्लिक गलत हो गया तो आपकी नौकरी जा सकती है खतरे में आ सकती है, मतलब पूरी कंसंट्रेशन है, आप घर की परेशानी भी वहाँ पर नहीं। और इसमें रात दिन ड्यूटी इसमें लगती है, और किस में है जो कि रात में ड्यूटी जनरली नहीं लगेगी तो कमर्शियल अप्रेंटिस में आपको नहीं, गुड्स गार्ड में तो रहेगी ही। स्टेशन मास्टर को क्योंकि शिफ्ट वाइज नौकरी होती है, शिफ्ट वाइज आपको स्टेशन दिया जाएगा, चाहे बड़े स्टेशन हो चाहे छोटे स्टेशन हो। तो ये आपको अगर इसमें सबसे बेस्ट अगर चुना जाए तो कमर्शियल अप्रेंटिस, उसके बाद है जो कि स्टेशन मास्टर को ग्रेड पे के हिसाब, उसके बाद जो आती है आपको मेरे हिसाब से तो अगर रनिंग की पैसे की बात करें तो गुड्स कार्ड अच्छी है, उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट कलर, ये है जो कि आपको रिजर्वेशन वाले मिलेंगे तो ये अच्छा रहेगा इसमें सबसे। तो रेलवे की अब तो एनटीपीसी के जो किस तरह से जो कि तैयारी किया जाता है और क्या प्रक्रिया है पूरी, इसमें जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT होती है, जनरल अवेयरनेस, गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अंग्रेजी भी रह सकती है लेकिन काफ़ी कम रहती है, रहेगी लेकिन उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा आपको। और जनरल अवेयरनेस में 100% रहेगा, 90 मिनट का, 1/3 जो कि निगेटिव रहेगा। और इसके जो प्रक्रिया पूरी जो है, प्रारंभिक परीक्षा होगी कंप्यूटर आधारित, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए वरिष्ठ क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा स्टेशन मास्टर के लिए, फिर आपको
वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर अंतिम मेरिट लिस्ट इसमें है जो कि बनेगी। और जहाँ तक बात है कि पहले क्या होता था कि ये जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है ये अब पहले ले लिया जाता है, अब वेटिंग लिस्ट में भी है तो आप ले, लेकिन हमारे समय में उन्हीं का मेडिकल लिया जाता था। और मैं भी संयोग से दो बार मेडिकल दिया हूँ रेलवे का। तो पहले मेडिकल है जो कि लेने का मतलब ये होता था कि आप कन्फर्म हैं, आपकी मर्जी है कि मेडिकल में छटें या अगर नहीं छटे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट वाले को भी मेडिकल करा लिया जाता है और उसके बाद जो लोग फिट होते हैं उसके बाद अंतिम चयन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, इसमें 7 प्रक्रिया है रेलवे की। रेलवे की अब तो इसमें आपको बता दिया कि क्या क्या है, इसमें भी एज ग्रुप भी मैं बता देता हूँ। इसमें भी एज जो है आपको 18 वर्ष से ये इसमें एजुकेशन है तो आपको 20 से 21 वर्ष से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और ये भी स्नातक स्तरीय 18 से 33 वर्ष से जो कि आपको होना चाहिए, 1/7/2019 तक जो कि ज़रूर होना चाहिए। ये तीनों परीक्षाओं में अगर सबसे आसान परीक्षा अगर कहा जाए तो इसमें रेलवे की होती है। क्वेश्चन का लेवल्स देखें तो, और जो सबसे टफ लेवल जो माना जाता है वो आपको क्वेश्चन लेवल की बात करें अभी तक की जो परीक्षा, तो JSSC का BSSC से भी टफ माना जाता है क्वेश्चन का लेवल। उसके बाद ही ए ही है जो कि JSSC का टॉप माने, फिर आपको BSSC, उसके बाद RRB NTPC की है जो कि आती है, तो जिनकी थोड़ी सी कम है। और इसमें दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या क्या है, एक तो दोनों वन थर्ड निगेटिव है, चाहे वो JSSC हो या RRB NTPC हो, और BSSC में 1/4 है। तो यहाँ पर लोग चढ़कर मारते हैं, स्कोर भी हाई जाता है, 150 में लोग 140 145 से कम बिल्कुल नहीं बनाते। जिनका सिलेक्शन जनरली होता है वो 145 50 ही बनाते हैं, कम नहीं बनाते हैं BSSC में। ये प्रक्रिया रही। और तीनों परीक्षाओं की जहाँ तक तैयारी की बात, BSSC CGL के लिए तो मैंने कई बार बताया कि जो फंडा है वो आप प्लेटफॉर्म बुक से ले सकते हैं, ये तीनों में है जो कि यूज हो सकती है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, तैयारी तो बहुत सारे परीक्षार्थी जो कि करते हैं और बहुत सारे लोग पछड़ते हैं कि हो नहीं रहा सिलेक्शन, कई बार मेंस में नहीं होता, कई बार फाइनल नहीं होता, कई बार PT। उसका कारण है कि वो जज ही नहीं कर पाते कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कमज़ोर है। और ये बहुत बड़े बहुत मतलब रिजल्ट आ गया है, उनको ये भी आवाज़ नहीं होता कि मेरा इकोनॉमिक्स कमज़ोर है तो ये कमज़ोर है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जिसकी सेट का एनालिसिस कर ले, जैसे 100 प्रश्न आपने बनाया दरोगा के लिए या JSSC के लिए या NTPC, तो आप इसको चूज के किससे आपको डर लगता है उसको आप नोट करें कम से कम 4-5 बार, और जो विषय कमज़ोर है उसको ज़्यादा पढ़ें। होता यही है कि जो अच्छा लगता वही लोग पढ़ते हैं, जिनका हिस्ट्री अच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसको साइंस अच्छा है वो साइंस पढ़ रहे हैं, और जो कमज़ोर रहता है वो पढ़ नहीं पाते, या तो डरते हैं या उसमें मन नहीं लगता। तो यही चीज़ जिस दिन आपकी चेंज हो जाएगी उस दिन फिर आपकी मेरिट बनने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप अगर सेलेक्ट कर चुके हैं कि JSSC तैयारी करना है या BSSC RRB NTPC, तो आपको उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी है जो कि आपका। अब जिनका मैथ कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है वो क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल छूते ही नहीं और GS में ही लगे रहते हैं। और जिनकी अच्छी मैथ है तो उनकी हिस्ट्री में, हिस्ट्री जनरली कॉमन होती है, हिस्ट्री लोग पढ़ भी लेते, लेकिन साइंस का पोर्शन बहुत लोगों को और इकोनॉमिक्स को फंसते देखा। तो जिन विषय का कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दे, जो अच्छी है उस पर कम ध्यान दे। यही अगर फंडा आप अपनाएंगे, पहले तो पकड़ेंगे कि कौन सा विषय कमज़ोर है, उसके बाद जो अच्छी है उसको थोड़ा कम पढ़ें, जो थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो इस प्रक्रिया में अपनाएंगे तो प्रक्रिया निश्चित रूप से आएगी। तो ये रही आपको तैयारी करने का फंडा। अब आते हैं SSC CGL पर आते हैं, क्योंकि इसमें Tier 1 होते हैं, Tier 2 होते हैं, Tier 3 होते हैं, Tier 4 होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सभी में रहता है, ये ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। तीसरा में जो कि अंग्रेजी हिंदी वर्णनात्मक पेपर होता है, फिर स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रबंधता टेस्ट होती है। तो फ्री में क्या होता है, इसमें 60 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, गणित के 25 और अंग्रेजी के 25 प्रश्न, ये 60 मिनट के होते हैं और 200 अंकों के होंगे, जो दो नंबर के होंगे, और 1/4 जो कि ये निगेटिव होगा, कितना हो निगेटिव होगा। तो ये हो गया आपको, उसी तरफ जो Tier 2 में क्या हो गया, पेयर क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया, दूसरा में अंग्रेजी हो गया, तीसरा में स्टैटिक्स हो गया, और चौथा में समान अध्ययन हो गया। तो ये है जो कि आपको 100 प्रश्न टोटल जो अगर माना जाए तो 400, 600 और 2 800, जो खासकर ये 6
600 नंबर की हो गई आपको जो कॉमन हो गई, और जो स्टैटिक्स लिए हुए उनके लिए 800 नंबर की हो गई। तो आपका टॉप फिर थोड़ा ज़्यादा जाने लगे, पहले के अपेक्षा क्वेश्चन भी काफ़ी आसान अब आने लगे हैं। तो अंग्रेजी और जिनका मैथ है जो कि अच्छा है उन्हीं का है जो कि इनसे रिजल्ट होता है, क्योंकि जीएस इसमें नहीं होता है। और अंग्रेजी डिस्क्रिप्टिव में आपको 60 मिनट में जो कि कर लिखना पड़ता है, सटीक पत्र निबंध ये सब आएगा। उसके बाद लास्ट प्रक्रिया कंप्यूटर टेस्ट आपको 45 मिनट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब जो कि आपको कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा लिया जाता है 8000 प्रति घंटे डिप्रेशन की गति की दर से। अब इसमें जो पोस्टें हैं एसएससी की उसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा छोटा है ये। इसमें जो मेन पोस्ट होती है वो होती है इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वो टॉप प्रायोरिटी पर चलती है। जो लोग थोड़ा सा शांति नहीं चाहते, थोड़ा भागदौड़ भी पसंद करते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, 4600 ग्रेड पे की होती है, और इस पर बहुत ही ज़्यादा है जो कि हाई कट ऑफ जाता है। उसके बाद असिस्टेंट बहुत सारे जगह होते, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री में हो, चाहे सचिवालय सहायक भी इसके अंतर्गत सभी है जो कि लेवल 7। यहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जो कि नाम आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री रेलवे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स में है। तो बहुत सारे जगह है जो कि आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिलेगी। यहाँ भी है जो कि आपको देख रहे हैं 44900 है लेवल 7 की, तो ये आपको मिलेगी। और यहाँ पर भत्ते भी ज़्यादा मिलते हैं, हाउस रेंट भी ज़्यादा मिलेंगे अगर अच्छे शहर में होगी पोस्टिंग। तो इसकी प्रक्रिया है जो कि आपको इंग्लिश और मैथ है जो कि अच्छी रहेगी, तभी है जो कि आप इसमें ले सकते हैं। तो कई लोग हैं जो कि ये चारों फॉर्म है जो कि भरे हैं या भरेंगे, और कई लोग हैं जो कि जे एस एस सी बी सी एस सी सी जी एल या एस एस सी के लिए सबसे बड़ा जो है कि आपकी मैथ अच्छा है, अगर अंग्रेजी हल्की भी कमज़ोर है या आप लगता है कि नहीं, तो मुश्किल है उसमें रिजल्ट आना, क्योंकि इनकी अच्छी अंग्रेजी है वही अब रिजल्ट है जो कि निकाल लेते हैं, और कट ऑफ है जो कि काफ़ी हाई आने लगा है। तो अगर टोटल सेंट्रल लेवल की बात करें जिनकी अंग्रेजी ही मैथ सभी अच्छी है, तो सबसे अच्छी पोस्ट अगर मानी जाए और आप घर से भी बाहर दूर में भी नौकरी करना तो एसएससी हो गया। अगर आप घर में नौकरी करना चाहते हैं तो बीएसएससी जेएसएससी हो गए। अगर आप चाहते हैं कि, और सबसे लास्ट में मैं प्रायोरिटी यही रखूँगा कि आपको आरआरबी एनटीपीसी हो गए, रेलवे की नौकरी भी थोड़ी सी क्योंकि अब दिन ब दिन है जो कि, क्योंकि एक संस्था है और घाटे और फायदे पर डिपेंड रहती है, तो अब परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है अब रेलवे भी काफ़ी। तो सबसे फर्स्ट में हो गया आपको सेंट्रल एसएससी अगर अच्छी है अंग्रेजी हिंदी, उसके बाद बीएसएससी बिहार के लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ कि एसएससी, उसके बाद बीएसएससी, उसके बाद एनटी, क्योंकि जेएसएससी तो भर ही नहीं सकते। जेएसएससी वाले के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जेएसएससी, उसके बाद बीएसएससी, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी। तो सबसे छोटे पोस्टों कम वेतनमान वाले पोस्ट में एनटीपीसी हो गए, उसके बाद बढ़िया जहाँ चांसेज है वहाँ पर आपको तीनों कॉमन है, तीनों में लगभग समानताएं हैं जेएसएससी बीएसएससी और आपको एसएससी में। तो ये रही आपको आकलन, और इसकी तैयारी तो बताया है कि सबसे पहले आसान जो विषय मजबूत है उसको जो कि थोड़े कम ध्यान दें, और जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा ध्यान दें। और ऑब्जेक्टिव सेट का प्रैक्टिस किस से करें, कौन सी बुक से करें, तो रेलवे के आजकल बहुत से प्रैक्टिस सेट आते हैं, चाहे किसी भी हो, तो आपको जो कि बनाना पड़ेगा। और सेट जब तक आप जितना ज़्यादा सेट बनाएंगे उतना ज़्यादा है जो कि आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप सेट नहीं बनाते हैं और सिर्फ कोचिंग करते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप सेट ज़रूर बनाएं, चाहे कम अंक आए चाहे अधिक अंक आए, आपको तैयारी करनी ही, सेट बनानी ही पड़ेगी। दो सेट तो कम से कम बनाएं, और तीन सेट चार सेट बनाते हैं, अभी तो फ्री है घर में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा बनाएं। और ये मौका कई लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितना सेट प्रैक्टिस आप करते हैं उतना गुणात्मक, और जो गलती होता है उसको है जो कि आप बहुत अच्छी तरह से देखें और उसको सर्च करें कि क्यों गलत हुआ। अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जहां तक बात है कि इन सबों में छुट्टियां क्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा बीएसएससी सीजीएल के बारे में बताऊंगा। तो सचिवालय सहायक के ही बताता हूं कि पटना में जो पोस्टेड है उनको जनरली है जो कि 2 दिनों की छुट्टी मिलती है शनिवार, और जो फील्ड में चाहे कमिश्नरी में हो, डीजीपी ऑफिस में हो, चीफ इंजीनियर ऑफिस में हो, वहाँ पर 6 दिन की ऑफिस होते मात्र है जो कि 1 घंटे की है जो एक दिन छुट्टी मिलती है। और जहाँ तक लंच आवर है तो आधे घंटे की लंच आवर होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया रही, तो आपको कैसा लगा? तो इसी के साथ धन्यवाद।